मदर टंग डे के तौर पर मनाया जाता है और इस मुनासिबत से रियासती कल्चरल एकेडमी पिछले 3 वर्षों से हर साल प्रोग्रामों का एहतमाम करती आई है। हमने 2016 में एक बहुत बड़ी मल्टीलिंगुअल लिटरेरी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था जिसमें 700 के करीब राइटर्स ने शिरकत की थी, बल्कि शीना, डोगरी, कश्मीरी, पहाड़ी, जितनी भी ज़ुबानें हमारी रियासत में बोली जाती हैं और जो हमारे रियासत के आइन में है, और उसके अलावा अंग्रेज़ी जिनको हमने अडॉप्ट किया है, उर्दू, हिंदी, बाकी सब। तो लास्ट ईयर हमने इस हवाले से यंग राइटर्स की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी तकरीबन 700 यंग राइटर्स ने शिरकत की। इस साल इसको हमने एक वाइडर कलर दे दिया, एक नहायत ही वसी पैमाने पर हम ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो कल से जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से 3 रोज़ा जम्मू एंड कश्मीर लिटरेरी एंड कल्चरल फेस्टिवल शुरू हो रहा है। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है, जहाँ तक मैंने अपने दोस्तों से पता किया, अभी तक हिस्ट्री में इस तरह का फेस्टिवल हमारी स्टेट में नहीं हुआ है। बड़े बड़े फेस्टिवल्स हुए होंगे लेकिन लिटरेरी और कल्चरल फेस्टिवल इस तरह का, जिसमें आप बाय वक्त 7-8 वेन्यूज पर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हमारा एक प्रोग्राम यहाँ अभिनव थिएटर के अंदर होगा, एक अभिनव थिएटर के फॉयर में होगा, एक अभिनव थिएटर के लॉन्स में होगा, एक एयर साइकिल हॉल में होगा, एक कला केंद्र में होगा, एक मुबारक मंडी में होगा, एक जम्मू यूनिवर्सिटी में होगा, एक पुरखू कैंप में होगा, एक रानी पार्क में होगा। इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तो एक तरह से जश्न का माहौल होगा पूरे जम्मू शहर में 3 दिन के दौरान। और ये जश्न होगा यहाँ के आर्ट का, यहाँ के कल्चर का, यहाँ की तहजीब का, यहाँ की जबानों का, यहाँ के अदब का। इस दौरान हमने ये भी कोशिश की है कि हम सुबह से शाम तक प्रोग्राम करते रहेंगे। यहाँ शाम को बॉनफायर होगा, कैंप फायर होगा, जो एक नया सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं, और इसमें हम यहाँ के आर्ट लवर्स और आर्टिस्ट को मौका दे देंगे, वो अपने फन का। यहाँ पहली बार हमारी फेस्टिवल्स में स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म्स हो रही है। हम 4 ल्यूमिनरीज पर फिल्में स्क्रीन करेंगे, राज बेगम, अमीन कामिल, दीन भाई पंत और के एल सैगल पर, जो फिल्में हमारी बनाई है नेशनल फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया ने, और इसी तरह से नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर साहित्य एकेडमी ने, उनसे हमने ये फिल्में ली हैं और ये हम स्क्रीन कर रहे हैं। इसके साथ साथ बुक एग्जीबिशन होंगे, फोटो एग्जीबिशन होंगे, पेंटिंग के एग्जीबिशन होंगे, नो कट